नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिला है एंड बेबी डॉज कॉइन के ऊपर एक और न्यूज़ जो है अभी के टाइम पे फ्लैश हो रहा है। तो वो क्या कुछ न्यूज़ है जिसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे हमने सुबह की वीडियो के अंदर दिया था, लगभग यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो है लगभग 8.5% जो है यहाँ पर आया है, तो जिसके ऊपर हमने अपडेट ऑलरेडी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग को दिया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइनिंग कर लीजिए एंड वहाँ पर जो है हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट जो है आप लोग को देते रहते हैं। तो मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है एंड बेबी डॉज कॉइन के ऊपर क्या न्यूज है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस लगभग 1% अंदर यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट ले चुका है एंड एडीए यहाँ पे लगभग 0.53 सेंट के अंदर यहाँ पे चल रहा है 1% इसके अंदर भी। प्लस आप लोग को यहाँ पे बीएनबी अगर आप लोग देखेंगे तो 2-3% लगभग यहाँ पे जंप हो चुका है। तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिला है एंड 1.14 ट्रिलियन जो है मार्केट कैप 3.80% लगभग यहाँ पे बढ़ चुका है। तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आया है एंड सुबह की वीडियो के अंदर जो है हमने बिटकॉइन के एनालिस्ट प्लस आप लोग को यहाँ पे बात भी किया था कि ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते तो आप लोग थोड़ा सा ले सकते हैं एंड बेबी डॉज कॉइन के ऊपर भी हमने अपडेट आप लोग को दिया था। तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है बाइनेंस की लिस्टिंग की बात वो लोग कर रहे थे लेकिन वो जो है यहाँ पर नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा कंसर्न यहाँ पर बना हुआ था जो भी यूजर्स थे। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप लोग यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है बेबी डॉज कॉइन अभी के टाइम पे 9% की जंप ऑलरेडी जो है यहाँ पे दे चुका है। एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट कैप को, तो मार्केट कैप भी यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है फिर से बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो सुबह भी हमने आप लोग को अपडेट दिया था कि यार इसको जो है थोड़ा सा आप लोग होल्ड करके रखिए, क्योंकि देखिए इसका जो इवेंट है वो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो इवेंट जो है इनका चालू है। मतलब ये लोग अभी के टाइम पर जो है थोड़ा सा जो है अपडेट जो लेके आ रहे हैं उसके ऊपर जो है अच्छा खासा अपडेट जो है आने वाले दिनों में आप लोग को देखने को मिलेगा। मार्केट कैप लगातार 9% यहाँ पे इनक्रीज हो चुका है। तो चलिए अभी न्यूज़ की बात करें तो क्या कुछ न्यूज़ जो है अभी के टाइम पे निकल के आया है। तो देखिए ये 13 हर्सेगो जो है ये जो अपडेट था जिसके ऊपर हमने दिया था एंड आप लोग को सुबह हम लोगों ने बात किया था कि 15 अगस्त को जो है इनका एक जो है टेस्ट नेट यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जिसके ऊपर ये लोग यहाँ पर बात करें एंड इनकी बेसिकली जो है ये बेबी डग स्वाप के ऊपर इनकी जो है कंप्लीट हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने अपडेट दिया। लेकिन लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि यार बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की बात कर ले, तो एनी वे ये जो है अभी के टाइम पर बाइनेंस की अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। लेकिन आप लोग को पता है बाइनेंस यूएस के अंदर यहाँ पे जो है लिस्टिंग होने वाला है, तो ये कभी भी यहाँ पे कर सकते हैं। मोर आज वेल ट्रनेट तो जिसके ऊपर 13 हर्सेगो एंड प्लस आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 17 मिनट पहले जो है इसके ऊपर एक ट्वीट आया बेबी डॉज की ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज आउटलेट फिगर बेबी डॉग की। तो बेबी डॉग के अंदर जो है बेसिकली बात करें बेन जिंगा, तो ये जो है एक गेमिंग साइट है जहाँ पर जो है इथेरियम वर्सेस बेबी डॉज गेम के अंदर जो है ये लोग यहाँ पे बिगनिंग करने वाले हैं, मतलब ये जो है स्टार्ट होने वाला है। तो 17 मिनट को जो है ये ट्वीट आया जिसकी वजह से पॉजिटिव जो है थोड़ा सा फिर से जो है बेबी डॉज कॉइन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। तो कल के दिन अगर आप लोग देखेंगे तो 139 के रैंक के ऊपर जो है बेबी डॉज यहाँ पे रैंक के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो अभी देखिए अभी अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड है बेबी डॉज कॉइन के अंदर तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बोलूँगा कि पेशेंस बना के अभी के टाइम पे थोड़ा सा होल्ड कीजिए एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप लोग को दे के बेबी डॉज कॉइन जाएगा। तो 15 अगस्त तक अभी भी यहाँ पे जो है ट्विस्ट बना हुआ है एंड ये कुछ भी जो है अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए स्वाप जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्वाप के ऊपर जो अनाउंसमेंट आया तो उसके अंदर जो है लोगों ने यहाँ पे पैनिक होकर थोड़ा सा सेलिंग किया। ऑल दो जैसे हमने सुबह भी बात किया था मार्केट के अंदर थोड़ा सा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेलिंग किया, लेकिन जो है मार्केट अभी भी पॉजिटिव यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो पैनिक था तो लगभग यहाँ पे लोगों ने जो है ये जो पंप आप लोग को देखने को मिला था लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो है न्यूज़ अच्छा है तो जिसकी वजह से फिर से जो है यहाँ पे पंप होना स्टार्ट हो चुका है। बिटकॉइन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी लगभग यहाँ पे 8.5% जो है यहाँ पे आया है, तो बहुत ही अच्छा है। पिछले बार जो है 9.1% जो है यहाँ पे आया था, तो ये एक अच्छा बात है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो भी करना चाहे तो अपना रिसर्च के साथ यहाँ पे कीजिएगा एंड हमारे चैनल के ऊपर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट जो है आप लोग को पर डे हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, आप लोग को न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।